चीन में एक ऐसा वायरस फैल रहा है कि भारत ने भी इसके खतरे को भांपकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। ये खतरा है कोरोना वायरस का, जिसे वुहान वायरस भी कहा जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली समेत मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। चीन और हांगकांग से लौटे यात्रियों की थर्मल जांच की जाएगी। यात्रियों को विमान में चढ़ने से पहले सेल्फ रिपोर्टिंग फॉर्म भरना होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार देश के 7 हवाई अड्डों पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मंत्रालय का कहना है कि वे इन सभी हवाई अड्डों के संपर्क में हैं, ताकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पूरी तरह से पालन किया जा सके। इसके साथ ही इन सभी हवाई अड्डों पर उद्घोषणा में भी वायरस को लेकर सूचना दी जा रही है। खतरा इसलिए भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। चीन में इस वायरस की वजह से अभी तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमित लोगों की संख्या भी बढ़कर 440 हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस संदर्भ में आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में WHO ये तय करेगा कि कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी को क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने की जरूरत है। अमरीका में भी वायरस के संक्रमण का एक मामला सामने आया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ये शख्स चीन के वुहान से अमरीका आया है। ये नया कोरोना वायरस दिसंबर महीने में सबसे पहले पकड़ में आया था, लेकिन अब ये चीन की सीमा को पार कर दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है। मरीजों से लिए गए इस वायरस के सैंपल की जांच प्रयोगशाला में की गई है। इसके बाद चीन के अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि ये एक कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की कई किस्म होती हैं, लेकिन इनमें से 6 को ही लोगों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता था, मगर नए वायरस का पता लगने के बाद ये संख्या बढ़कर अब 7 हो जाएगी। सार्स नाम के कोरोना वायरस को काफी खतरनाक माना जाता है। सार्स के कारण चीन में साल 2002 में 8,098 लोग संक्रमित हुए थे और उनमें से 774 लोगों की मौत हो गई थी। ये नई किस्म इस सार्स वायरस के करीब मानी गई है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? सिरदर्द, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना, थकान महसूस करना, निमोनिया और फेफड़ों में सूजन। कोरोना वायरस के कारण अमूमन संक्रमित लोगों में सर्दी जुकाम के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन असर गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग के प्रोफेसर मार्क वूलहाउस का कहना है कि जब हमने ये नया कोरोना वायरस देखा तो हमने जानने की कोशिश की कि इसका असर खतरनाक क्यों है। ये आम सर्दी जैसे लक्षण दिखाने वाला नहीं है, जो कि चिंता की बात है। ये वायरस जीवों की एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जाते हैं और फिर इंसानों को संक्रमित कर लेते हैं। इस दौरान इनका बिल्कुल पता नहीं चलता। नॉटिंगम यूनिवर्सिटी के एक वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर जोनाथन बॉल के मुताबिक ये बिल्कुल ही नई तरह का कोरोना वायरस है। बहुत हद तक संभव है कि पशुओं से ही इंसानों तक पहुंचा हो। सार्स का वायरस बिल्ली जाति के एक जीव से इंसानों तक पहुंचा था। हालांकि चीन की ओर से अभी तक इस मूल स्रोत के बारे में भी कुछ भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा गया है। लेकिन चीन ही क्यों? प्रोफेसर वूलहाउस का कहना है कि जनसंख्या के आंकड़ों और घनत्व के कारण यहाँ के लोग जानवरों के संपर्क में जल्दी आ जाते हैं। चीन के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं, जिससे ये पुष्टि होती है कि ये वायरस एक शख्स से दूसरे को भी होता है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा कहने के पीछे वजह ये है कि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें मरीजों की देखभाल करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में भी संक्रमण के लक्षण नजर आ रहे हैं। इस मौजूदा वायरस को लेकर यही सबसे बड़ा डर है कि इससे सबसे पहले फेफड़े ही प्रभावित हो रहे हैं। इस वायरस का संक्रमण होते ही संक्रमित शख्स को खांसी और नजला की शिकायत हो जाती है। कितना तेजी से फैल रहा है ये वायरस? शुरुआत में माना जा रहा था कि इस वायरस का असर सीमित ही होगा, लेकिन दिसंबर के बाद से कई नए मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि इस संक्रमण की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई, लेकिन अब इसका संक्रमण चीन के बाकी शहरों के साथ साथ देश के बाहर भी नजर आ रहा है। थाईलैंड, जापान, अमरीका और दक्षिण कोरिया में भी संक्रमण के कुछ मामले सामने आए हैं। वुहान से होकर आने वाले लोगों में इसके संक्रमण की आशंका ज्यादा है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये वायरस नए साल चीन घूमने आए बहुत से लोगों के साथ अलग अलग देशों में लाखों लोगों में पहुंच चुका हो। लेकिन चीन के अधिकारी भी इससे निपटने के लिए कई कदम उठा रहे हैं। संक्रमित लोगों को एक कक्ष में अकेले जांच की जा रही है, ताकि इस बीमारी को और बढ़ने से रोका जा सके। जिन जिन जगहों से यात्री गुजरेंगे उन जगहों पर थर्मल स्कैनर्स लगाए गए हैं, ताकि जैसे ही किसी के बुखार की पुष्टि हो उसकी जाँच की जा सके। इसके अलावा सी फूड मार्केट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, ताकि सफाई बनी रहे और संक्रमण को कम किया जा सके। ये व्यवस्था केवल चीन में ही नहीं की गई है। चीन के अलावा एशिया के कई दूसरे देशों और अमेरिका में भी इस तरह की व्यवस्था की गई है, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके।